चंद घंटों में कराची समेत सिंध की साहेली पट्टी पर शदीद बारिश मुतवक्के है। डीप डिप्रेशन शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। कुछ देर में तूफान बनने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि डीप डिप्रेशन के बाइस सिंध की साहेली पट्टी पर हवा की शदीद कम दबाव की शिद्दत बरकरार है। शदीद कम दबाव की शिद्दत वाला सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए मगरिब और जुनूब मगरिब की जानिब पड़ रहा है, जिसके बाद ट्रॉपिकल सिस्टम की आज शाम तक बहिरा अरब और सिंध की साहिली पट्टी पर दाखिल होने का इम्कान है। डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है, जो कि पिछले तीन दिन से इसकी यही स्टेज चली आ रही है। इसका गालिब हिस्सा खुश्की पर है, कुछ हिस्सा इसका कह सकते हैं कि समंदरी हदूद में दाखिल हुआ चाहता है। कोई अगले 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद जब ये पूरे का पूरा समंदर पे आ जाएगा तो फिर इंटेंसीफाई होकर साइक्लोन बन सकता है। और इसकी मूवमेंट गालिब इम्कान यही है कि वेस्ट की जाने भी जाएगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जो सेंट्रल इंडिया से मूव करता हुआ हमारे एरिया के करीब आया है, तो वो डेड वेस्टवर्ड मूवमेंट इसकी रही है। किसी भी जगह पर डायरेक्ट इसके टकराने का कोई ऐसा खतरा नहीं है, साइक्लोन के डायरेक्ट इटसेल्फ टकराने का खतरा नहीं है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में या उसके असर में तेज़ हवाएँ, तेज़ बारिशें, ये दोनों इम्पेक्ट्स हो सकते हैं।